कल देश भर में मनाया जाएगा विजयदशमी का महापर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरे का त्योहार, देश भर से आ रही हैं रंग बिरंगी तस्वीरें। दिल्ली के राजौरी गार्डन की सड़कों पे सज गया रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का बाजार, 2.5 फीट से लेकर 50 फीट तक के पुतलों की हो रही है बिक्री। प्रदूषण में ध्यान को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पटाखा मुक्त रावण के पुतलों की भारी मांग, रंग बिरंगे पुतलों से पटी दिल्ली के टैगोर गार्डन की सड़क, छोटे बड़े रावण के पुतलों की हो रही है मांग, घरों में भी विजयदशमी मनाने के लिए तैयार, दिल्ली की जनता पुतलों को आखिरी रूप दे रहे हैं कारीगर। दिल्ली के पुतला कारीगरों के लिए विजय पर्व से पहले मुनाफे की सौगात, लगातार हो रही पुतलों की बिक्री से कारीगरों के चेहरे पे छाई खुशी। देहरादून में बनाए गए हैं 131 फीट के रावण के पुतले, 12 मंचों पे होगा विशालकाय पुतलों का दहन। चंडीगढ़ में पिछले 3 महीने से चल रहा है 171 फीट लंबा रावण बनाने का काम, 35 सालों से कारीगर पुतले बनाने का काम करते चले आ रहे हैं। रांची में इस बार रिमोट से होगा रावण के पुतले का दहन, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे सीएम हेमंत सोरेन। अंबाला के तोपखाना मैदान में रावण पुतला दहन की खास तैयारी, 360 डिग्री के एंगल पे घूमेंगे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। पटना के गांधी मैदान में जोरों शोरों से हो रही है रावण दहन की तैयारी, भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का खाका तैयार किया। पंचकुला में तैयार किया गया 171 फुट का सबसे ऊंचा रावण, बनाने में लगे 25 कारीगर। रायपुर में पुलिस ने शहर में लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह लगाए रावण के पुतले। हरियाणा के जींद में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आया एक परिवार बनाता है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। रांची में भारतीय सेना ने नवमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया, शस्त्रों का पूजन कर जनता दर्शन के लिए रखे गए हथियार। शस्त्र पूजन के बाद कन्याओं का महिलाओं ने पूजन किया, कन्याओं को ग्रहण करवाया गया प्रसाद। उज्जैन के महामाया मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने मां की पूजा कर आशीर्वाद लिया। जम्मू में कश्मीरी पंडित समुदाय ने महानवमी पे कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिरकत की। केरल के तिरुवनंतपुरम में माता के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, भक्तों ने चिठिंठा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। जमशेदपुर में राज्यपाल रघुवर दास ने सपरिवार माता का पूजन किया, हवन कर बच्चियों को भोजन करवाया। छतरपुर में महानवमी के दिन महिलाओं ने किया माता के सभी रूपों का पूजन, खप्पड़ की भी हुई पूजा। आज है नवरात्र का नौवां दिन, देवी दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा। सिद्धिदात्री सभी तरह की सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती हैं। मान्यता है सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देश भर में महानवमी की रौनक, सुबह से माता की पूजा हो रही है, मंदिरों में माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। झंडेवाला मंदिर में तड़के हुई मां सिद्धिदात्री की आरती, बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में महानवमी को लेकर सुबह से जुटने लगे भक्त, लंबी कतारों में लोग कर रहे मां के दर्शन और पूजन। दिल्ली के कालका जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, मां के दर्शनों के लिए भक्तों की लगी लंबी कतारें। महानवमी को लेकर गुवाहाटी के पास मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट, दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में माता के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, भजन कीर्तन और आरती के साथ भक्ति और श्रद्धा का अनूठा माहौल। मिर्जापुर में आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी के धाम पे दर्शन पूजन के लिए लंबी कतारें लगी, नवरात्र के नवमी के दिन भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी।
कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, मां के दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। मां के दर्शन के लिए भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह, भक्तों ने लगाए जय माता दी के नारे। वाराणसी में मां सिद्धिदात्री की पूजा के लिए भक्तों की लंबी भीड़ दिखाई दी, मां का पूजन कर लोगों ने आशीर्वाद लिया। फतेहपुर में नवमी में कन्याओं का पूजन किया गया, 300 कन्याओं को भोजन कराया गया। उदयपुर के बंग भवन में बंगाली समुदाय ने आयोजित की दुर्गा पूजा, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बंगाल के बाबू बागन सर्वोजनिन में पंडालों में लगी भक्तों की भीड़, लोगों ने मां का आशीर्वाद लिया।